हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सो इस आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या आप लोग कीबोर्ड एंड माउस से जब गेम प्ले करते हो अपने मोबाइल में, तब आप लोग अपने फ़ोन में पीसी सिंबल ला सकते हो या फिर नहीं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीसी सिंबल मोबाइल में लाना भाई इम्पॉसिबल है। यहाँ पे आप लोग कुछ भी कर लो, पीसी सिंबल मोबाइल में नहीं आ सकता। लाइक यहाँ पे एक ग्लिच हुआ था ग्रीना की तरफ से, जब भाई मोबाइल प्लेयर को भी पीसी प्लेयर बना दिया करता था, बट यहाँ पे जब वो ग्लिच हटा उसके बाद आप लोग इम्पॉसिबल है, आप लोग अपने मोबाइल में पीसी आइकन नहीं ला सकते। ओके, क्योंकि देखो यार ये बेसिक है, अगर आप लोगों के पास लैपटॉप है पीसी है तभी आप लोगों को पीसी आइकन मिलेगा। ये मोबाइल हो, एंड्रॉयड फ़ोन हो, आईफोन हो या फिर टैबलेट आईपैड, ये सब में पीसी आइकन नहीं रहता है। ओके, अभी तक ऐसा कोई भी एप्लीकेशन नहीं बना है की मैप करने वाला जो भाई आप लोगों को इस पीसी आइकन फ्री फायर के अंदर दे मोबाइल में। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। इमेजिन करो कि अगर आप लोगों के फ़ोन में पीसी आइकन आ भी गया तो आप भाई आप लोगों का इसमें और ही घाटा होने वाला है। भाई इसमें फ़ायदा कुछ भी नहीं है। लाइक इसमें आप लोग रैंक गेम प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई ग्रीना फ्री फायर अभी तक पीसी में बैन किया हुआ है फुल मैप को, तो आप लोग रैंक बिल्कुल भी नहीं खेल सकते। और भी भाई बहुत सारा इसमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगा पीसी प्लेयर्स के रिलेटेड, लाइक मैच मेकिंग भी बहुत लेट होता है सीएस रैंक में या फिर कुछ में, तो भाई ये सब प्रॉब्लम आप लोगों को फेस होगा। तो क्यों पीसी आइकन क्यों चाहिए जब हम लोग फोन प्लेयर है। अगर आप लोग देख रहे हो अभी मैं कीबोर्ड माउस से फोन में खेल रहा, लाइक हमारा पीसी गेम प्ले यहाँ पे हो रहा। ओके, पूरा पीसी तो हम लोग नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत एम ट्रम्बलिंग होता है, डीपीआई में कुछ इशू रहता है, बट फिर भी यहाँ पे हम लोग इन सभी को मैनेज करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, स्किल को दिखाते हुए यहाँ पे हम लोग गेम प्ले कर लेते हैं। ओके, लेकिन आप लोग जब गेम प्ले इसमें करते हो तब ये तो फिक्स है कि भाई जो भी मोबाइल प्लेयर है हैंड गेम प्ले करते हैं उनसे तो यहाँ पे ये बेस्ट है, क्योंकि भाई वो लोग टू फिंगर एटलीस्ट फोर फिंगर तक खेल सकते हैं, बट यहाँ पे आप लोग 10 फिंगर खेल सकते हो भाई, मतलब अपने फ़ोन में। तो ये सब आप लोगों को इसमें एडवांटेज देखने को मिल जाएगा अगर आप लोग कीबोर्ड माउस प्लेयर हो। ये नहीं कहता कि भाई जो हैंड गेम प्ले करते हैं वो लोग बिल्कुल भी सही नहीं खेल पाते, भाई ऐसा ऐसा भी प्लेयर अभी है जो भाई पीसी प्लेयर को टक्कर देने में भी कामयाब रहता है। तो भाई आप लोग अगर अच्छा फ़ोन है आपके पास तब आप लोग हैंड गेम प्ले को भी इम्प्रूव कर सकते हो, बट अगर आपके पास लो एंड डिवाइस है, लाइक अभी जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो मेरा रेडमी नोट 4 है और ये 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल है इसमें, और आप लोगों को पता है कि भाई अगर 4GB वाला रैम अगर फ़ोन हो किसी के पास तो उसमें बहुत ही कम DPI रहता है, और कम DPI कम सेंसी के कारण आप लोगों का ड्रैग इतना स्मूथ होता नहीं है। और अगर हैंड गेम प्ले की बात कर रहा हूँ, ओके, अगर आप लोगों का अच्छा ड्रैग नहीं होगा, अच्छा स्मूथ हेडशॉट नहीं लगेगा, तब आप लोग खुद भी डिप्रेशन में चले जाओगे। इसीलिए यहाँ पे कीबोर्ड एंड माउस का यूज़ आप लोग कर सकते हो, क्योंकि भाई कीबोर्ड एंड माउस में आप लोग बहुत ही नेक्स्ट लेवल सेंसी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को डिफ़ॉल्ट जो इसमें सेंसी रहता है तो पांडा माउस प्रो का यूज़ करके आप लोग यहाँ पे और भी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हो, और उस सेंसिटिविटी को अपने माउस का DPI से अगर हाई करोगे तो वो सेंसी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण आप लोग हेडशॉट नेक्स्ट लेवल लगा पाओगे। एकदम हल्का माउस को भी मूव करोगे तो स्क्रीन बहुत ज़्यादा मूव होगा। तो यहाँ पे देखो मैं अभी रैंक गेम प्ले कर रहा हूँ 1v2, और यहाँ पे मैं पूरा फुल्ली स्मूथ में खेल रहा था, यहाँ पे मेरा गेम प्ले भी स्मूथ हो रहा, यहाँ पे बिल्कुल भी लैग देखने को नहीं मिल रहा और मेरा गेम प्ले भी एकदम नेक्स्ट लेवल चल रहा। और बहुत सारे बंदे का ये भी डाउट रहता है कि भाई यार क्या हम लोग कीबोर्ड एंड माउस से अगर खेलेंगे तो मेरा ID बैन हो जाएगा या फिर नहीं, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी देखो पांडा माउस प्रो जो ऑफिशियल है, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और ये पेड एप्लीकेशन है, ₹250 वहाँ पे आप लोगों को पे करना होगा, बट मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है फुल सेटअप करके, तो यहाँ पे आप लोगों को वो वीडियो एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, वहाँ से आप लोग वो वीडियो देख लेना, तब आप लोगों का भी फोन PC बन जाएगा और इसमें ID बैन नहीं होगा, इतना आप लोग ध्यान में रख लो। ओके, और इससे आप लोगों का मोबाइल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप लोगों का लो एंड डिवाइस है तभी आप लोग इस सिस्टम का यूज़ करो और इस सेटअप को बिल्ड करो। और यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रहा कीबोर्ड माउस वो तो मेरा भी हाईफाई है, क्योंकि भाई ये मैकेनिकल कीबोर्ड है, और ये माउस भी मेरा एंटी स्पोर्ट का गेमिंग माउस है। अगर आप लोग इन सभी को भी बाय करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस यार आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो तो यार जरूर ही अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप लोगों को ये कंटेंट पसंद है तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और भाई अभी तक यूट्यूब बहुत ही गंदा हमारा अभी डेड हो रहा, तो इसीलिए आप लोग एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करो एंड फिर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, एक बार इतना ज़रूर कर देना। ओके, तो बस यार यहाँ पे अब लास्ट बंदा ही बचा, तो इसको भी फिनिश करते हैं एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा भोया। तो यहाँ पे 1v2 देखा आप लोगों ने कितना ही नेक्स्ट लेवल गेम प्ले गया, इसी तरीके से आप लोग भी गेम प्ले कर सकते हो। तो बस यार आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और साथ में इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।